जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। शेर सिंह सरदार जी, ओ कोढ़िया आकर मेरे बीच में जो मेरे काम में दखल दिया है सरदार जी, उसने अपने हक में अच्छा नहीं किया है शेर सिंह। हाँ सरदार जी, लेकिन मुझे कोढ़िया की चिंता नहीं है शेर सिंह। चिंता किसकी है सरदार जी? सिर्फ चिंता तो मुझे उस लड़की की है। हाँ सरदार, जिसका नाम मंजू है। हाँ सरदार जी, उसने मुझे पैर से ठोकर लगाई शेर सिंह। हाँ सरदार जी, मेरा अपमान किया है। इस अपमान का बदला ना चुका तो मेरा नाम शैतान सिंह सिंह नहीं होगा। शेर सिंह सरदार जी, अब तो हम ऐसी जाल बिछाऊंगा। हाँ, ऐसी जाल बिछाऊंगा शेर सिंह। हाँ सरदार जी, कि उसी जाल में मंजुआ खुद ना खुद फंस जाएगी। हाँ जाएगी, फिर वो दर बदर की ठोकर खाएगी, तब उसे एहसास होगा कि शैतान सिंह को पैर से ठोकर लगाने का अंजाम क्या होगा। क्या होगा है, बहुत सही सरदार। दो टके की छोकरी अपनी औकात को भूल गई। लेकिन एक काम करो शेर सिंह। हाँ सरदार जी, जाके अंजू को बुलाकर हमारे सामने पेश करो। बड़ी अच्छी बात है सरदार जी, मैं अभी पेश करता हूँ। जाइए शेर सिंह, फिर देखो शैतान सिंह क्या से क्या करता है। सरदार जी, अरे सरदार जी, आज मुझे अचानक बुलाने का मतलब क्या है? हाँ अंजू, मैं तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया हूँ, और तुम्हारे लिए खुशखबरी भी लाया हूँ। खुशखबरी? मेरे लिए खुशखबरी? जी हाँ। अरे फरमाइए ना, फरमाइए। तो सुनो मेरी बात। कौन सी खुशखबरी मेरे लिए? तेरी जो है बहन मंजू देवी, सुनो वो खतरनाक जालिम बड़ी बचलन, एक कोढ़ी से करने लगी प्यार है, देख आंखों से जो मैं सुनाता सकूं। एक कोढ़ी से प्यार करती है? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने अपनी आंखों से देख आ रहा हूँ। जो तुम्हारी बड़ी बहन मंजू है, वो लड़की तो बड़ी बचलन है, वो तो एक कोढ़ी से प्यार कर रही है। अंजू, मैंने अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ, और ये बात सच है। बात सच्ची अगर तेरी शैतान सिंह, काम आसान अब तो मेरा हो गया। ऐसे चक्कर में उसको अरे फंसाऊंगी मैं, बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। बिल्कुल ठीक करेंगे। शैतान सिंह, अगर वाकई में तुम्हारी बात सच्ची है तब तो खेल में मजा आ जाएगा। आप तो मैं उस हरामजादी को ऐसे चक्र में फंसाओगी कि उसकी जिंदगी नष्ट कर डालूं। अरे अंजू, यही इतनी बात नहीं है, और बात मेरी है। बात और सुनो। और बात है सुनो। मैं कई रोज से देखता हूँ उसे। अच्छा? खाना पानी भी लेकर के जाती है वो। क्या? बस यही मौका है, फेंक चिंगारी दो, खुद जला देगी यह राग पाकर उसे। मैं कई रोज से देखता हूँ कि वो मंजू खाना पानी लेकर उस कोढ़ी के पास जाती है। क्या? और अपने हाथों से खाना खिलाती है। अंजू, खाना खिलाती है, सोचिए अंजू। वो खाना भी खिलाती है? हाँ अंजू, सोचो अंजू, अगर ये लोग सुनेंगे तो तुमसे घृणा करेंगे। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आएगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर पानी तक कोई नहीं पिएगा। अंजू, शैतान सिंह, हाँ अभी जाकर खबर मैं पिताजी को दूं, बन के हम दर्द उसकी निकालूं कसर, तू निकलवाए घर से मिले चैन है, तू निकलवाए घर से मिले चैन है, मारी मारी फिरे मंजू दर बदर। अरे वाह अंजू, बिल्कुल ठीक कह रही हो। शैतान सिंह, आप तो मैं इसी वक्त जा रही हूं अपने पिताजी के पास, उनसे सारी हकीकत बताऊंगी।
और हमदर्दी दिखा करके उस मंजुआ हरामजादी को घर से बेघर कर दूंगी। दर बदर भटकेगी, भूख प्यास से तड़पेगी, तब मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तेल लगा के। बिल्कुल ठीक कह रही हो अंजू, ये बात जाके अपने पिताजी से बताओ, और जब तुम्हारे पिताजी यह बात सुनेंगे तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे और गुस्से से उस मंजुआ को घर से बाहर निकाल देंगे। फिर वो दर बदर की ठोकर खाएगी, तब उसे एहसास होगा कि भरे दरबार में अंजू को नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। अरे मिल गया मौका मुझे, खेल जोड़ चाहूंगी उस खमंडी मंजू को, इस दुनिया से नाम मिटाऊंगी। अब तू देखना सरदार सिंह कि हमारा दिमाग कैसा काम करता है तेल लगा के। जाओ जाओ अंजू। मजा आ गया सरदार जी, मजा आ गया। बिल्कुल ठीक है शेर सिंह। शेर सिंह सरदार जी, देखा शैतान सिंह का खोपड़ी का खेल। सरदार जी ये खोपड़ी नहीं बल्कि खोपड़ा है, खोपड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने क्या दांव खेला है शेर सिंह। हाँ सरदार जी, अब अंजू जा रही है अपने पिताजी से यह बात जरूर बताएगी, जरूर बताएगी। और इसके पिताजी जब यह बात सुनेंगे शेर सिंह तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे और गुस्से से उस मंजुआ को घर से बाहर निकाल देंगे। फिर वो दर बदर की ठोकर खाएगी, तब उसे एहसास होगा कि शैतान सिंह को पैर से ठोकर लगाने का अंजाम क्या होता है। दो टके की छोकरी अपनी औकात को भूल गई। देखते जाओ शेर सिंह ये शैतान सिंह क्या से क्या करता है। अभी तो मेरा खेल का शुरुआत हुआ है। खेल में मजा अब आएगा, तो चलिए शेर सिंह। जय भवानी। रामो। जी महाराज। मेरी बेटी चमन से शहर करके वापस घर आई या नहीं आई? नहीं महाराज, अभी तो नहीं आई। अभी नहीं आई? नहीं महाराज। बात क्या है, काफी टाइम ले चुका। यहाँ छटकी भी डाल आइयो। सुना बेटी, लेकिन आज क्या देखता, तुम्हारे चेहरे के ऊपर रौनक नहीं, चेहरे पर झुर्रियां छाई है। आखिर बात क्या है जो? सितम गजब अफसोस है, बधे न दिल में धीर, करे नाम बदनाम है। सुनो पिता हमसे। हाय गजब क्या सुन रहा, बधे न दिल को धीर, करे नाम बदनाम वो, क्यों तेरी हमसे। बेटी बात जो हो साफ साफ बताओ, आखिर तुम्हारी बहन कैसे नाम बदनाम कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं बाबूजी, ऐसी बात आपके सामने मुझे बताते बहुत शर्म लग रही है। शर्म की क्या बात है, शर्म की क्या बात है बेटी बताओ। शर्म से है पिता कुछ ना जाता का, एक ही कोढ़ी से मंजू मोहब्बत करे। मैं कई रोज से देखती ही रही आपका खौफ, उसने पिता ना किया। बस खबरदार अंजू जुबा बंद कर, बात सुन कर तेरा यह कलेजा जले। होता तेरी जगह गरे कोई दूसरा, भेज देता मैं फौरन आदम के तले। अरे हम दादी ना लाए करती, ऐसे कहते शर्म नहीं जाती है।
अपनी बहन को ऐसे कहते तुझे शर्म नहीं आती है? नालायक लड़की, बेशर्म। वाह पिताजी वाह, आप अपनी बेटी मंजू की बुराई अपने कान से सुनना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है पिताजी, ठीक है, बंद कर ली है मैंने अपनी जुबा, किसकी किसकी जुबा बंदी करती फिरूं, कहते हैं सब शिकायत में यही है जिक्र, हटे बदनामी जल्दी जतन कुछ करो। क्या बताओ पिताजी, बाप की बहुत बदनामी हो रही है। अरे ये बात गली गली में फैल गई है, मैं आज से अपनी जुबान बंद कर लूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आप किसकी किसकी जुबान बंद करेंगे, किसके किसके जुबान में तल लगाएगी? अरे पिताजी ये बात हर गली हर चौराहे पर हर बाजार में, यहाँ तक की ये बात शहरों में फैल गई है। हाँ, ये बात शहर में फैल चुकी है। हाँ पिताजी। हाँ बाबू, बिट्टी सही कहा दिया है। क्या कहा? हर एक जगह चर्चा हो रही है। हाँ ये भी जानता है। बिल्कुल पिताजी, मैं तो जब सुनी मैं तो समझी ये बात पिता के कान तक मैं नहीं जाने दूंगी किसी हालत में। लेकिन क्या बताओ पिताजी, लोगों की ताना सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तो ऐसा जी में आता है कि जहर खा के अपनी जान दे दूं, कुएं में कूद के मर जाऊं। लेकिन ये ताना पिताजी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अंजो, आवाज जा सब ताना मारा था। अगर ये बात सच है तो जा रहा है देखने, अभी मंजू को मैं बात सच कर से, अंजू ये तेरी अगर तो कुछ सोचूं विचारों वहां पर नहीं, इसी तलवार से मैं उड़ा दूंगा सर। जा रहा हूं देखने के लिए, कहीं तेरी बातें सच निकली तो बगैर सोचे बिचारे उस मंजू को मैं सर उड़ा दूंगा ना। लेकिन लेकिन क्या पिताजी, कहीं ये बात गलत निकली तो जानती हो? जानती हूँ पिताजी, मैं आपके क्रोध को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मेरी बात गलत निकल गई पिताजी तो आने के बाद इसी अपनी तलवार से मेरी गर्दन अलग कर देना, मैं आपसे जरा सा उप नहीं करूंगी पिताजी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और इसी दम जा रहा हूँ। जाइए पिताजी, जाइए, बहुत जल्दी जाइए, जाइए। जना परौता मारत गया है। क्या पिताजी गए? गए गए गए, चले गए गए गए। गए 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 इधर दोनों 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 देख, आप पिताजी गए हैं, गए हैं चमन की तरफ, मेरी बहन मंजू को ढूंढेगी। अगर मेरी बड़ी बहन मंजू मिल गई पिताजी को तो क्या होगा? तो आज अपनी ही तलवार से अपनी ही बेटी का गर्दन अलग कर देंगे, उसका काम वहीं पे तमाम हो जाएगा, उसके बाद बचूंगी मैं। तो मुझे यहाँ पे मालकिन बनने से राज करने से कोई नहीं मना कर सकता है तेल लगा के। आप तो मैं यहाँ का रानी, यहाँ का राजा, यहाँ की मालकिन, सब कुछ मैं रहूंगी तेल लगा के। आप तुम लोग
दिमाग देखना तेल कि हमारा दिमाग कैसा काम करता है तेल लगा के। वाह भाई वाह। अरे जैसन तू बड़ी बाटियू मैं बड़ी हूँ रे हराम खोर मैं बर गई हूँ रे। अरे के कहत तोहका? अरे बाप रे तोहका ना ही कहा था ही। फिर क्यों रे? फिर किस कर होलैया के माई कहा था ही। अच्छा हाँ। तू होलई माँ की बात कर रहा है और का कैसे रे बतावा ता ही जैसे बैठा बता 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 टूटी बका रे अब हम का जानी आज झटका मजबूत और का होए हम बतावा ता ही ऐ जैसन तू बड़ी बाटियू वैसन बुताई जाबियू जैसन तू बड़ी बाटियू ये होलई माँ को कह रहा है मुझे नहीं कह रहा है होलैया के माई के होलई माँ को कह रहा है मुझे नहीं कह रहा है जैसन तू बड़ी बाटियू अरे वैसन बुताई जाबियू अरे का केऊ काहे के निहुराए अब बलवंत मैं खाने लेकर आया हूँ लोग खाना खा लीजिए लेकिन खाना कैसे खाओगे तुम्हारे हाथों में तो कोड़ हुई है खाना खाने में मजबूर हो ठीक है अगर खाना खाने में मजबूर हो तो मैं अपने हाथों से तुमको खाना खिलाती हूँ शर्म मेरी जरा तूने खाई नहीं बेशर्म लड़की ये शर्म है यही ये कोही का हमदर्दी कर रही अपने हाथ से खाना खिला रही है नालायक लड़की बेशर्म पिताजी हे पिताजी गम का सताया है इस बेचारे पे कुछ तो रहम खाइए आपका सोचना सब गलत है पिता अकल की बात को सामने लाइए तो खींच लूंगा बदन की मैं चमड़ी तेरे और कोढ़ी को जिंदा करूंगा दफने तूने बदनाम मुझको बहुत कर चुकी और बदनामी मुझसे न होती सहन मैं तेरे बदन की चमड़ी खींच लूंगा और इस कोल्ही को जिंदा दफन करा दूंगा तू मुझे बहुत बदनाम कर चुकी है अभी बदनामी नहीं सहन हो रही नालायक लड़की पिताजी आपकी नजरों में जब गलत हूँ पिता जान से खत्म मुझको अभी कीजिए इस बेचारे को मारो पिताजी नहीं बस यही आरजू मेरी सुन लीजिए
पिताजी, अगर मैं आपकी नजरों में गलत हूं तो मैं हुक्म देती हूँ इस तलवार से मेरी गर्दना भी उड़ा दीजिए, लेकिन इस बेचारे को खुश मत कहो पिताजी। ये बेचारा हो गया और तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई है तो इस पे इतनी हमदर्दी कर रही है तो ठीक है, तू मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा। नालायक लड़की तू जरा भी शर्म नहीं खाई, बोल तूने ऐसे जो पिताजी तुम यहां आपके चरणों में मेरी विनती पिता, इस तरह इस पे ऐसा सितम ना करो, मानो मेरा कहा अब महल में चलो, जो हुआ है पिता अब ना कुछ गम करो। पिताजी मेरी बहन की जान बख्श दीजिए, इतना गुस्सा, इतनी सी छोटी भूल पर इतना बड़ा क्रोध आपको नहीं करना चाहिए पिताजी। अरे हम सभी बच्चे हैं, नादान हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे पिताजी। मेरी बहन की जान बख्श दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब महल को वापस चलिए पिताजी। अंजू तो क्या करूं, अंजू सुता करती है कलना काम है, काम है कर रही तेरी बहने मुझको बहुत बदनाम है। हाँ बदनाम तो बहुत कहते, बहुत बदनाम कहते, चारी कहती बदनामी होत बा। अब सकल कैसे दिखाऊंगा प्रजा के सामने, लगता है मिट्टी में मिली जाए हमारी शान है। ये क्या कर रही है? ये मैं सच कह रहा हूं बेटी, अंजो अब मेरी अकल कुछ काम नहीं कर रही, अब मैं अपनी प्रजा के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शान शौकत सब मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं पिताजी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, आपके शान मिट्टी मिल जाए, मेरी जिंदगी थथकार है पिताजी। तू इसमें क्या कर सकती है बेटी? बात मानो गर हमारी तो करूं पैसे नजर, और कुछ ही तदबीर मुझको ना रही आती नजर, और कुछ मैंने सोचा है यही। क्या सोचा है बेटी? उस कोढ़ी के ही साथ में अपनी बेटी मंजू की कर दीजिए शादी। ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो बेटी? आप दज़ में ठीक है तू? मैं अपनी बेटी मंजू की शादी कोढ़ी के साथ? पिताजी ऐसी बात कहते हुए आज मेरा कलेजा कांप रहा है, लेकिन क्या करूं, आप क्या करेंगे ऐसी हरकत से, बल्कि मेरी बहन मंजू की जान लेने से बेहतर होगा कि आप मंजू की शादी कोढ़ी के साथ में कर दीजिए पिताजी। नहीं बेटी। अरे पिताजी अगर आप शादी कर देंगे
तो यहीं से सारी बदनामी खत्म हो जाएगी पिताजी। हाँ, शादी करने पर बदनामी खत्म हो जाएगी? हाँ पिताजी, बदनामी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अंजू, तो बात तू ठीक कहती है बेटी मेरी, वरना कुल में मेरे दाग लग जाएगा, मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा नहीं, जीते जी ये तेरा बाप मर जाएगा। मत कहिए बेटी, तू ठीक कह रही है, वरना मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इसमें बदनामी भी बच जाएगी और फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पिताजी, कौर ही को चाहती ये दिलो जान से, उसी से शादी इसकी रचाओ पिता, ताना देगा जमाना तुम्हें ना पिता, ताना देगा जमाना तुम्हें ना पिता, जो मैं कहती वही मान जाओ पिता, ताना देगा जमाना तुम्हें ना पिता, जो मैं कहती वही मान जाओ। पिताजी आप शादी कर दें, क्योंकि मेरी बहन कोढ़ी को दिलो जान से चाहती है, आप शादी कर देंगे सारी बदनामी से खत्म हो जाएगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मेरी दीदी से पूछ लीजिए पिताजी। हाँ बाबूजी, अंजू बिट्टी सही कहा तहीन। हाँ कह रही है। हाँ बाबू, शादी करने से बदनामी से बच जाऊंगा। बच जाएगी बाबू। पूछ लीजिए पिताजी, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। बेटी मंजू, पिताजी जानती हो बेटी, तू कोढ़ी के साथ में उठती बैठती हो, अपने हाथ से खाना खिलाती हो, ये बात शहर में फैल चुकी है, हर गली में हर मोहल्ले में लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। बेटी मेरी बात मानकर तू कोढ़ी से अपनी शादी बना ले बेटी, शादी बना ले, तो तेरा बाप तो बदनामी से बच जाएगा। पिताजी बोलो बेटी। देखता है आपकी लाडली प्यारे पिता, देखता है आपकी लाडली प्यारे पिता, आने अपनी ना लुटाऊं अब मेरे प्यारे पिता, करना गरीबों की मदद आपसे सीखा पिता, जाने किसने आपको बहका दिया प्यारे पिता।